हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है संडे, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे वीकली रिवीजन की। कवर कर रहे हैं 4 से 9 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 40 एमसीक्यूज की। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकुलर फ्रंटियर आईएएस। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssegl.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और ssegl ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सिनी शेट्टी। नेक्स्ट देखो, किस देश की मेरीना व्याजोवस्का फील्ड्स मेडल से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला बन गई है जिसे गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। नेक्स्ट देखो, यूके संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर तनुजा नेसारी। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में किस पुरस्कार की स्थापना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में कला के क्षेत्र में शिरोमणि पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिशेल पूनावाला। नेक्स्ट देखो, मलेशिया ओपन पुरुष एकल 2022 किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, विक्टर एक्सेलसन। नेक्स्ट है, अल्फिया पठान किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी। नेक्स्ट देखो, किस देश की ऑन्स जेब्यूर किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूनिशिया। नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी राजा कुमार। नेक्स्ट देखो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरंजन दास। नेक्स्ट देखो, यायर लेपिड को किस देश के 14 प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर था अगेन ऑप्शन नंबर बी, इसराइल। नेक्स्ट है, 7 जुलाई को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसने ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है? नेक्स्ट देखो, QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट है, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट देखो, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। नेक्स्ट देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य को टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, गुजरात की कम आय वाली महिला नमक श्रमिकों को किस परियोजना के तहत 100 टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, परियोजना सूर्य। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो,
एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदलने का निर्णय लिया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के प्रमुख कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट देखो, केंद्र ने FCRA के नियमों में संशोधन किया है जिससे रिश्तेदारों को विदेशी फंडिंग के तहत सालाना 10 लाख भेजने की अनुमति दी गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट देखो, भारत को किस वर्ष के लिए सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की एक समिति का सदस्य चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2022 से 2026। नेक्स्ट देखो, 11वां विश्व शहरी मंच हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। नेक्स्ट देखो, ड्रग्स एंड क्राइम पर यूएन ऑफिस ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की है। यूएन ODC का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, राहुल नार्वेकर किस राज्य विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 324 नामित डैश को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्ट्रल्स। नेक्स्ट देखो, किस सरकारी निकाय ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है CBSE, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, भारत ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ किस देश में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है आर्मेनिया। नेक्स्ट देखो, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटालाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। नेक्स्ट देखो, विश्वनाथन आनंद के संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सुजान निनन। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा डैश का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है? करेक्ट आंसर है तिहान। नेक्स्ट देखो, लाल बुनकर चीटियों से बनी डिश काई चटनी के लिए किस राज्य ने भौगोलिक संकेत GI टैग की मांग की है? करेक्ट आंसर है ओडिशा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% की वृद्धि करने के लिए एक विधेयक पारित किया? करेक्ट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट देखो, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। नेक्स्ट देखो, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किस कंपनी ने शुरू की है? करेक्ट आंसर था गूगल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किस शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने बॉश सूप पकाने की संस्कृति को किस देश की लुप्त प्राय सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया है? करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। क्विकली बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार, इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई, इसके लिए थीम थी किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।